ये एक मिनट ये जब अली ये जब वीलॉग जुनैद के वीलॉग में जाएगा, बाईस सालों बाद वो हमें मिला है और वो कहाँ घुमा था ये अब चल के देखते हैं कि उससे पूछते हैं भाई तू क्यों घूम गया था और कैसे घूम गया था और क्यों नहीं हमें मिल रहा था। तो आज मैं कुकिंग कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ जी चिकन बिरयानी, बहुत ही यमी बड़े मज़े की। और किसकी हेल्प से बना रही हूँ जी, मैं बना रही हूँ नेशनल बिरयानी मसाले की हेल्प से। कुछ मैं अपने भी यानी होममेड मसाला भी डालती हूँ, कुछ पैकेट का डालती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ मज़ेदार चिकन बिरयानी। अभी ये बना रही हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी बनती है जी। अब ये बिरयानी की मेरी फाइनल पार्ट आ गया है जिसमें कि मैं तेल लगा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर यानी राइस डाल दी, अब अपना जो मैंने ग्रेवी रेडी की थी वो डाल रही हूँ, ज़रदा रंग डालूँगी और फिर इसके ऊपर धनिया लेमन जो भी चीज़ें आपने डालनी होती हैं, आप उसमें पुदीना वगैरह जो कुछ भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी जी। तो ये है मेरी बिरयानी की फाइनल लुक और बहुत ही यमी है और मैं अब खाने लगी हूँ। मैंने इस पर फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा योगर्ट डाला है और ये लीजिए एक बाइट आपके लिए भी बना लेती हूँ, ये लीजिए खाए बिरयानी बहुत यमी है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जा रहे हैं अपने एक बड़े ही प्यारे दोस्त से मिलने जो कि गुम गया हुआ था पिछले कई 20-22 सालों बाद वो हमें मिला है और वो कहाँ घुमा था ये अब चल के देखते हैं कि उससे पूछते हैं भाई तू क्यों घूम गया था और कैसे घूम गया था और क्यों नहीं हमें मिल रहा था। अब हम उसे ढूंढ तो हमने लिया, ढूंढा क्या है, अल्लाह वल्लाह हमें कहीं से मिल गया तो पता हमें चल गया कि ये 20-22 साल पुराना दोस्त था जो गुम गया था, फैसल भट्ट साहब अल मशहूर मिर्ची फूड वाले और ये मियां अली दिलवेश फ्यूचर सिटी लाहौर वाले। और ये हैं आपके सामने आपके शुभ चिंतक एहसानुल्लाह के ही व्लॉग्स वाले। आप भट्ट साहब के पास कैमरा है, कोई गलती कोताही हो तो हम मुझे माफ कर देना, भट्ट साहब की तो खैर ही है, भट्ट साहब दरवेश आदमी है। और जो हमारे मियाँ साहब हैं, ये मियाँ साहब बड़े पुराने हमारे यार बेली हैं बचपन के, ये भट्ट साहब लविंग आदमी है, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं आज हम तीनों बड़े ही अरसे बाद। मैं डड्डू मच्छी हूँ, डड्डू मच्छी हाथ में आए हो आप सर, डड्डू हाजिर हूँ जब आप चाहे आए, बिस्मिल्लाह। हमने आप मुश्किल में तो हमने आप इतने आप जुनैद बे को छोड़ेंगे तुम्हारी तरफ आए, आप उनके मीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो खत्म होगी तो आपको पता, आपने जो सेंसर लगाए हैं उनको डीएक्टिवेट करेंगे तुम्हारी तरफ आए जी। वो सेंसर डीएक्टिवेट नहीं हो सकते, वो पिछले 20 सालों से सेंसर लगे हुए हैं जी। वो आप जो मर्जी कर लें, जुनैद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया, उसने सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया, यानी के मेरे साथ अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम नहीं अंतिम संस्कार के वो अंतिम संस्कार। 20-22 साल बाद हम इकट्ठे हुए बड़ी मुश्किलों से, गंगा स्नान कराया आपको, ये स्नान करेंगे भट्ट साहब और मियां साहब जो हैं अर्थी को चिता देंगे, चीता को जुनैद की अर्थी को चिता देंगे। जुनैद का नाम नहीं लेना, उसका अपना वीलॉग है, तो आप चाह ही नहीं उसे प्रमोट करें इस तरीके से, ये जब वीलॉग उसके वीलॉग में जाए ना, उसका वीलॉग जो जुनैद साहब के वीलॉग्स है ना जी जी, उनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने अनप्रोफेशनल वो है प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल वीलॉग बना लिया आजकल, वो केटू की पहाड़ियां चढ़ रहे, हम तो भी लाहौर में भी नहर में नहीं चढ़े सर, माउंट एवरेस्ट हम नहीं चढ़ते। अब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो वीलॉग है उनके वीलॉग में बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा नहीं जाएगा, देखिए मुझे नहीं पता, ये आप बताना चाहिए, लव का चुनाव ठीक करें, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, लव का जो चुनाव है चुनाव वो इलेक्शन का चुनाव भी मियां साहब का इलेक्शन चुनाव जीतना जरूर बनेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू भट्ट साहब एंड थैंक यू मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ओके भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच, लव यू हो गया जी आपके साथ, कैसा आपको लग रहा है, फिर मुलाकात होती है। ओके मियां साहब आपसे मिलेंगे अगले जन्म में। अब अगले 20 साल आपको हमने मिलवाया अपने पुराने दोस्तों से, और जब पुराने दोस्तों से इंसान मिलता है तो वैसे ही बहुत हैप्पी हो जाता है और खुश और खुर्रम फिरना शुरू कर देता है, एक रिफ्रेशिंग मोड होता है जब आप पुराने बचपन के प्यारे दोस्तों से मिलते हैं। तो हमें तो ये बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा हमने खाना शाना खाया, आप लोगों को जरा कम दिखाया क्योंकि हमारी कुछ पर्सनल बातें भी चल रही थी और वो अगर आप देख लेते तो शायद आप भी परेशान हो जाते।
दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त जो है वो हमेशा के लिए अनफॉरगेटेबल होता है, मेमोरेबल होता है और बड़ा ही मजा आता है जब आप दोस्तों के साथ पुरानी बातें, पुरानी यादें एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपका कोई पर्दा नहीं होता, कोई चीज प्राइवेट नहीं होती, कोई चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, जो आपका है वो भी आपका होता है और जो उनका है वो भी आपका होता है। तो ये बड़ा मजेदार सीन है जी, बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज को इंजॉय करें। अगर मेरे कुछ पुराने दोस्त इस सारे वीलॉग को देख रहे हैं और फील कर रहे हैं तो दे आर फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी और हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, इंजॉय करेंगे और आपके साथ भी ऐसे ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि काफी लोग हमसे दूर जा चुके हैं। इतना मजा आ रहा था कि ये दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कोई वीडियो शेयर करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि यार नहीं, जरूरत है कि आप शेयर करना बनता है, क्योंकि इतने प्यारे दोस्त, इतने प्यारा सब कुछ चल रहा है तो उसमें तो बनता है ना जी कि आप एक दूसरे, हमारी जो भी चीजें हैं वो हम शेयर करें और जो हंसी मजाक और फन हम कर रहे हैं वो आप भी देखें और आप भी इंजॉय करें। और इस चीज से ये एक मैसेज है मेरा सबके लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए, कि वो भी अपने पुराने दोस्तों के साथ जाके कोई मीटअप करें, कोई मजा करें, कोई फन करें, पुरानी बातें, क्राइम पार्टनर्स, ये सारे मेरे क्राइम पार्टनर्स थे एक जमाने में, तो अब हम, हमारी फील्ड अलग हैं, टाइम चेंज है, वो बिजनेसेस चेंज है, तो उसमें सब अपनी अपनी जगह बिजी हैं। छोटे से व्लॉग के साथ आपसे अब इजाजत लेते हैं, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें ताकि हम आपको, आपके साथ और दोस्ती का रिश्ता मजबूत करते रहें। गुड बाय, लाला, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन आवर व्लॉग एंड इंशाल्लाह ताला विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग।